हाँ तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको आयुष्मान भारत योजना की एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए बताऊंगा, और इसे आप जो सीएससी भेली भाई हैं उनको डीजी मेल पे जो है एक नोटिफिकेशन मेल आज के डेट में भी आया हुआ है, और डायरेक्ट भी आप इसे चेक कर पाएंगे, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जो भी अपडेट मेरे चैनल पर वीडियो पब्लिश होता है उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच पाता है सब्सक्राइब करने से। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले देखिए डीजी मेल को ओपन कर रखा हूँ। डीजी मेल आप भी ओपन कर लीजिए। सारा नोटिफिकेशन डिस्प्ले इमेज वगैरह जो मैं देख रहा हूँ वो आप देख पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं 6:07 पे आज ही के डेट में, यानी 10/9/18 के डेट में, यानी सेम आज के डेट में ही आपको एक मेल आया हुआ है, जिसमें कि आपको यहाँ पे बताया जा रहा है आयुष्मान भारत स्कीम विजिट मेरा .pmjay.gov.in टू चेक दी एलिजिबिलिटी ऑनलाइन। रियली कैन यूज दी लिंक टू हेल्प दी बेनिफिशरीज इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ देयर एलिजिबिलिटी अंडर आयुष्मान भारत स्कीम वीएलई एट दिस स्टेज टू प्रोवाइड फ्री सर्विस टू बेनिफिशरी, यानी इसके इसकी जो सर्विसेज हैं, इसकी जो एलिजिबिलिटी चेक करेंगे वो आप इसके लिए कोई भी पेमेंट पैसे वगैरह वीएलई वो जिनका चेक करना है उनसे नहीं लेंगे, और जो खुद से चेक करना चाह रहे हैं जो वीडियो को देख रहे हैं वो अपना भी एलिजिबिलिटी इसमें चेक कर सकते हैं। इसमें राशन कार्ड की ज़रूरत होती है नंबर की, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे चेक करना है। फॉर एनी इंक्वायरी वीएलई में कॉन्टैक्ट डायरेक्ट स्टेट टीम एंड कॉल, यहाँ पे 14555 ईमेल aayushmanbharat.cac@gmail.com, यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मैंने बता दिया। अब चलिए यहाँ पे मैं mera.pmjay.gov.in की वेबसाइट को ओपन कर लिया हूँ। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ इस तरह से मैं इस वेबसाइट पे ओपन हो चुका हूँ। यहाँ पे देखिए सर्च की ऑप्शन में, यहाँ पे अगर हटा दूँ mera.pmjay.gov.in की वेबसाइट को मैं ओपन करता हूँ, तो इस तरह से आपको PM जन आयोग योजना लॉगिन की इस तरह से डिटेल्स आपको दिखेगी, जिसमें कि मोबाइल नंबर के OTP के द्वारा यहाँ पर आपको चेक करना होता है, पहले डालना होता है प्रोसेस में। चलिए मैं कोई भी मोबाइल नंबर पे एंटर करके आपको दिखा देता हूँ। तो आप जैसे जनरेट OTP करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP जनरेट हो जाएगा, जो OTP आपको उसमें डालना होता है। यहाँ पे देख सकते हैं मुझे OTP मिला है, मैं चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मुझे DK हेल्थ के नाम से आपको OTP आएगा, तो यहाँ पे मुझे OTP मिल चुका है। ये मैं देखिए OTP मैं यहाँ पे डाल के सबमिट करूँगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं सर्च डिटेल्स की ऑप्शन आ गई है। अब यहाँ पे क्या करना है, जिनका भी आपको एलिजिबिलिटी आयुष्मान भारत योजना के लिए चेक करना है, यहाँ पे उनका स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, जो भी स्टेट है। तो यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको, जैसे कि मैं चलिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेता हूँ, और सर्च बाय नेम, सर्च बाय मोबाइल नंबर, सर्च बाय राशन कार्ड नंबर, सर्च बाय RSBYURN, ठीक है। यहाँ पे सर्च बाय मोबाइल नंबर, सर्च बाय नेम की भी ऑप्शन है, तो चलिए यहाँ पे अपना जो भी स्टेट है आप उसे सर्च कर लेंगे, और सर्च बाय नेम, तो यहाँ पे नेम देना है, पता पिता का नाम, माता का नाम, और यहाँ पे जो है अपना एज देना है, फिर यहाँ पे आप रूरल हैं कि अर्बन हैं वो डालना है, अपना डिस्ट्रिक्ट डालना है, विलेज डालना है, और यहाँ पे अपना पिन कोड डालना है। तो ये सारी डिटेल्स मैं फिल करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जो नाम से सर्च किया, लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ का गौर करेंगे कि सर्च बाय राशन कार्ड नंबर देंगे ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। सर्च बाय राशन कार्ड नंबर से क्या होता है कि आपको एग्जैक्ट वहाँ पर दिखा देगी कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं है। तो आज के वीडियो में मैंने क्लियर बता दिया, और डायरेक्ट भी आप यहाँ पे अगर बिना कोई लिंक का, आप डी जी मेल बिना पढ़े आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आना चाह रहे हैं, तो mera.pmjay.gov.in के वेबसाइट पे आप आ जाएंगे, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे आ जाएंगे, बहुत सारे आपके सेंटर पे पहुँचने वाले हैं एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए। एक दो कस्टमर को जैसे ही आप देंगे तो बहुत सारे आपके पास आएंगे एलिजिबिलिटी चेक करवाने के लिए। यहाँ पे सिंपल वन का मोबाइल नंबर डालना है, कैप्चा देकर के जैसे ही जनरेट OTP करेंगे OTP आएगा, वहाँ पे OTP डालने के बाद बस एलिजिबिलिटी जो फॉर्म होता है वो आपको इस तरह से खुल जाएगा, ठीक है। इसमें क्या करना है, जो भी स्टेट्स हैं उनका स्टेट सेलेक्ट करेंगे,
और यहाँ पे राशन कार्ड सर्च बाय राशन कार्ड देके सीधा सर राशन कार्ड नंबर डालेंगे, सर्च करेंगे तो उनका डिस्प्ले हो जाएगा, जो कि काफ़ी बेटर है। राशन कार्ड होना आपका अनिवार्य है तो ही आप इसका एलिजिबिलिटी मतलब इसका लाभ ले पाएंगे। और डायरेक्ट अगर आप नाम वगैरह से सर्च करते हैं तो राशन कार्ड में आपका नाम है ही नहीं, तो वहाँ पे आपको डिस्प्ले नहीं होगा, तो आप कोई भी जानकारी नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में छोटा सा इन्फॉर्मेशन था। यही चैनल पे आप नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।